हेलो दोस्तों, चाय पानी चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बंगाली डिश जिसका नाम है घूगनी। ये जो घूगनी है, आप रोटी पराठा किसी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसका बनाना भी बहुत ही ऐसी है, कुकर में आप जल्दी जल्दी बना भी सकते हो, तो ये बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रेसिपी को पहले देख लेते हैं। तो मैं कुकर गैस में चढ़ा के उसमें दे दूंगी 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ये जो घूगनी है मस्टर्ड ऑयल में बनता है और इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं इसमें दे दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ नारियल। नारियल को मैं 1 से 2 मिनट पहले फ्राई कर लूंगी। देखिए, नारियल फ्राई हो गया है। अभी इसमें मैं दे दूंगी थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज यूज़ किया हूँ। अभी प्याज को भी मैं 1 मिनट फ्राई कर लूंगी। अभी प्याज भी फ्राई हो गया है। और अभी मैं इसमें दे दूंगी थोड़ा आलू। मैं यहाँ पे बड़े साइज का आलू यूज़ किया हूँ, जिसको बहुत ही छोटा छोटा करके काट लिया। और उसका जो छिलका है वो मैंने यूज़ किया हूँ घूगनी में। इससे क्या होगा, घूगनी का टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। अभी मैं आलू प्याज को 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से मीडियम आंच में फ्राई करूँगी। देखिए, आलू फ्राई हो गया है। अभी इसमें मैं दे दूंगी एक बड़े साइज का टमाटो, जिसको मैं छोटे छोटे करके काट लिया हूँ। और इसमें दे दूंगी मैं 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर, 1/2 चम्मच गुड़ पाउडर और 1 चम्मच जिंजर चिली का पेस्ट। अभी सब मसाला को अच्छी तरीके से एकदम मीडियम आंच में 2 से 4 मिनट अच्छी तरीके से मैं भून लूंगी पहले। देखिए, मसाला अच्छी तरीके से भून गया है, मसाले से ऑयल भी निकल रहा है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी पहले से जो भीगा हुआ मटर। मैं यहाँ पे ग्रीन पीस लिया हूँ, जिसको मैं पूरी रात पानी में भिगो के रखा था, वो अभी इसमें ऐड कर दूंगी। मटर को देख के भी मैं 1 से 2 मिनट मीडियम आंच में इसको भी फ्राई कर लूंगी। अभी इसमें मैं 2 कप जैसे पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद और एक बार मिला दूंगी। अभी मैं कुकर का ढक्कन दे के 5 से 8 टोटल सीटी दूंगी। यहाँ पे मैं 8 सीटी दिया हूँ। अभी देखिए, मटर अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। तो मेरा जो घूगनी है वो रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बोलिए। थैंक यू।